हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार इस वीडियो में हमें बात करनी है कि जो अभी आपका IBPS PO का एग्ज़ाम था उसको आपको लग रहा है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, तो अब मेंस के लिए आप जनरल अवेयरनेस को कैसे अप्रोच करें। इफ़ आई वर एट योर प्लेस तो मैं उस चीज़ को कैसे अप्रोच करता कि लगभग आपका थर्ड वीक ऑफ नवंबर में आपका अगर मेंस है तो हमें अभी से जो ये 30 दिन है या 25 दिन है उसमें आप कैसे अप्रोच करेंगे जनरल अवेयरनेस को, और कैसे, क्या ये सच में मुमकिन है कि हम 6 महीने की आराम से कर सकते हैं। जी हाँ, मुमकिन तो है, बट उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगेंगे। वो कैसे एफर्ट्स लगने चाहिए, वो कैसे हम जनरल अवेयरनेस को कवर करें मेंस में ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, वो जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, जहाँ आप और मैं वन ऑन वन बात भी करते हैं। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे बढ़ने से पहले IBPS PO मेंस के लिए 30 डेज के सारे टारगेट्स वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्विज की फॉर्मेट में भी, और साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर 25 सेट्स ये आपको मिलेगा सिर्फ 99 में, जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइस है। उस पर भी RKS 12 लगा के 12% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा। तो आपको अगर कंसोलिडेटेड IBPS PO मेंस की तैयारी करनी है 30 दिन में तो आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। You can go and check it out and grab it. The link is in the description. Thank you. हाँ जी, तो अब देखो आपके पास एक महीना है और 6 महीने के आपको करंट अफेयर्स करने हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो लास्ट के 3-3.5 महीने हैं ना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लगभग 70-75% क्वेश्चन उनसे ही आएंगे, और बाकी जो पिछले जो 3 महीने हैं उनसे लगभग आप सोच लो कि लगभग 25% 30-35% मैक्सिमम इतना आ सकता है। यही ट्रेंड रहा है कुछ सालों का, तो उसके हिसाब से मैंने ये बात बोली है, ठीक है। तो अब हमें ना कवर करना है। अब जो मेरा जो टारगेट रहेगा, या फिर अगर आप आई वर एट योर प्लेस तो मैं उसको कैसे डील करता हूँ, देखो मैं हमेशा ना कागज़ पे अपना थोड़ा सा प्लान लिखता हूँ पहले। अगर आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा है, तो आपको भी एक प्लानिंग के तहत चलना है। यहाँ पे आपको लगभग 2-3 घंटे जनरल अवेयरनेस में डेली देने पड़ेंगे, तभी जाके आपका होगा, ठीक है। अब देना किस हिसाब से है और क्या करना है, आपको डेली पकड़ना है सिर्फ एक हफ्ता, ठीक है, 1 वीक आपको पकड़ना है। अब जैसे 3 हफ्ते निकल गए हैं, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते अक्टूबर के जा चुके हैं, तो आप पकड़ेंगे अक्टूबर 1st वीक, अक्टूबर 2nd वीक, अक्टूबर 3rd वीक, ठीक है। ये कब, नेक्स्ट 3 डेज में। पहले दिन मान लो आपने कल से स्टार्ट करना है, तो आपको कल पकड़ना है अक्टूबर का 1st वीक, ठीक है। अब सोर्स कहाँ से करने हैं और कवर कैसे करना है वो बताता हूँ। देखो सोर्स मैं आपको लगभग 4 सोर्स बताता हूँ। पहला सोर्स है जो वीकली कंपाइलेशन आती है स्टडी IQ की, 75 क्वेश्चंस के लगभग 1 वीक के होते हैं वो। आपको अगर आपके पास स्टडी IQ का पेड है तो आप देख सकते हैं, नहीं है तो आप PDF भी उठा सकते हैं, फ्री होती है, ठीक है। सेकंड सोर्स है करंट अफेयर्स क्लाउड, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड में वीडियो सोर्स तो नहीं है, लेकिन आपको PDF सोर्स ज़रूर मिल जाएगा वीक वाइज, ठीक है। थर्ड सोर्स है GK Today, GKToday.in पे भी आप जाके वेबसाइट पे, तो पता नहीं पेड है कि फ्री है, वो भी कर सकते हैं, या फिर लोगों ने अगर अड्डा का भी किया हुआ है और वहाँ पे वीकली कंपाइलेशन आती है तो वो चौथा सोर्स है। अब आपको करना है क्या है कि आपने 1 वीक पकड़ा, उस वीक को आपको अच्छे से देखो, अगले 3-4 घंटे जो आपको, मतलब एक दिन में 1 वीक का करना है, मेन फंडा ये है, ठीक है। जब आप 1 वीक को कवर कर लोगे अच्छे से, तब आपको सेकेंड डे क्या करना है, मान लो आज आपने 1 वीक का उड़ा दिया, अच्छे से उड़ा दिया, नोट्स बनाने हैं बनाओ, नहीं बनाने PDF पे हाईलाइट करो, लेकिन एक हफ्ता आपका कवर होना चाहिए एक दिन में, ठीक है। एक दिन में जब एक हफ्ता कवर होगा, प्लस आपको उसकी क्विज करनी है, क्विज आपको वीकली क्विज मिलेगी अफेयर्स क्लाउड पे, बहुत अच्छी क्विज मिलेगी। और भी कहीं भी क्विज मिले, आप ऐसे लिखो अक्टूबर 1st वीक क्विज फॉर करंट अफेयर्स बैंकिंग एग्जाम, ये जो आपके दिमाग में आता है सब लिख दो, लेकिन आपको एक क्विज मिलेगी, वो क्विज सॉल्व करनी है आपको, उससे आपको पता चलेगा आपकी रिटेंशन कितनी हो रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़, जब आपका डे टू जब आएगा तो आपको जो डे वन में आपने किया है उसको भी रिवाइज करना है, पहले उसको रिवाइज करना है, कहीं से भी पढ़ाओ एक बार, जल्दी जल्दी उस पर से आँखें घुमानी है, और ये इंश्योर करना है कि आपने जो कल पढ़ा था वो आपको वापस, और एक माइंड में थोड़ा सा भरोसा रखना है कि यार ये रिटेन रहेगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे इतना एक साथ कैसे इतना रिटेन रहेगा, तब नहीं होगा भाई, तब बिल्कुल नहीं होगा। एक भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिटेन, अपनी जो रिटेंशन पावर है और अपनी जो रिवीजन पावर है उस पर थोड़ा सा भरोसा रखें। उसके बाद जब आप थर्ड डे स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3rd वीक स्टार्ट करेंगे, तो आपको पिछले 2 वीक एक बार देखने हैं अच्छे से, ठीक है, चाहे उस पर आधा पौना घंटा लग जाए, उसके बाद आपको 3rd वीक करना है। ऐसे 4th वीक करोगे, और 5वें दिन आपको क्या करना है, 4 वीक को रिवाइज करना है, और चाहे नया मत करो, 4 वीक को रिवाइज करो, उसकी क्विजेस दो, और उसके बाद ऐसे करके आपको, ऐसे करके लगभग जो 15-20 दिन 25 दिन होंगे उसमें आपको लगभग सारे जो 4 × 6 6 मंथ्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप पे है कि जो लास्ट के 2 महीने उनको 2-2 हफ्तों को आपको एक साथ करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो पहले वाले 4 महीने हैं जो कि लेटेस्ट 4 हैं अभी,
उनमें अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो उनको ज़्यादा टाइम दीजिए और आप दूसरे वाले पे से थोड़ा सा टाइम घटा सकते हैं। तो ये ऐसी सी थोड़ी प्लानिंग रहती है। प्लस एक तो बात होगी कि ये आपको 1 वीक करना है डेली, और सेकेंड चीज़ है जो क्विजेज़ हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। थर्ड चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मॉक में जीए के सवाल आएंगे, जो 10 मॉक्स है ना, अगर आप 10 नहीं भी दे पाओगे आईबीपीएस पीओ से पहले, 7-8 ही दिए तो भी जो 8, 9, 10 नंबर है उसके आप सबमिट कर देना, और जीए के तो क्वेश्चंस कम से कम देख लेना। उन जीए के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी रिसर्च बेस्ड होते हैं। जो थोड़े से अच्छे कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो ये ऐसे देख के बनाते हैं कि भाई इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। इफ़ आई वर एट द प्लेस ऑफ इन्विजिलेटर आई वुड हैव पुट दिस क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसलिए ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोला वीक वाइज, क्विजेस और मॉक। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर टाइम मिले लास्ट में तो जो एक फुल कंपाइलेशन आती है, जैसे टॉर्नेडो आती थी गाइडली की जब मैं तैयारी करता था, या फिर ऑलिव बोर्ड की भी एक आती है, गाइडली की भी कंपाइलेशन आती है, तो आप इनकी कंपाइलेशन अगर आपके पास टाइम मिले तो, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो इनसे भी एक बार नज़र मिला लेना। और इनकी जो रिवीजन है वो सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट रहेगी, और रिवीजन जितनी आप करोगे जनरल अवेयरनेस की उतनी आपकी रिटेंशन बढ़ेगी। और जैसे भी कवर करना है, कवर कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो में बताया है सीक्रेट ऑफ जनरल अवेयरनेस वाली, कि हर जो आप सवाल भी पढ़ रहे हैं उसको कैसे पढ़ना है, मतलब उसके आसपास वाले सवालों को भी कवर करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक वीक में 75 क्वेश्चन है तो एक्चुअल में वो 75 नहीं है, वो 750 है, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। कि अगर मैं बोलूँ कि कुछ भी बोल दो, मान लो कि किसी को नोबल प्राइज़ मिला है, तो नोबल प्राइज़ एक तो क्यों मिला है, कौन से सब्जेक्ट में मिला है, जिसको मिला है वो कहाँ क्या है या कहाँ की है, ठीक है, उसके साथ और किस बंदे को मिला है उसी फील्ड में, तो बाकी नोबल प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ था, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, ये सब कुछ ऐसे करके ना आपको थोड़ा सा उस क्वेश्चन में जाके घुस के थोड़ा सा करना है। तो इस हिसाब से रहेगा, और पॉसिबल है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले पॉसिबिलिटी को निगलेक्ट ना करें, पॉसिबल है आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप पहले ही बोलेंगे कि नहीं पॉसिबल है तो फिर हाउ वुड यू विन इट। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू विन इट यू हैव टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग इट ट्रू। ठीक है, तो अपने अगर सपनों के लिए लड़ना है तो आपको ये करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना जनरल अवेयरनेस को कवर। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि पूरा आपको कैसे करना है IBPS PO मेंस को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू।